क्लास का नाम है द कंसेप्ट। मैं 11 12th फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बिहार से हूँ मैं। लॉकडाउन के पहले ऑफलाइन में मेरे लगभग 250 से 300 स्टूडेंट थे, ठीक है, 11 12th दोनों मिला के। लेकिन चूंकि 12th का सेशन कंप्लीट हुआ तो 11th के बच्चे भी 12th में आए। तो अभी लॉकडाउन के बाद ये एवरडेमी एप्लीकेशन के साथ आने के बाद अभी 100 बच्चे ऑलमोस्ट इनरोल्ड हैं। प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं एक्चुअली। सबसे पहले तो क्लास बंद हो गया। क्लास बंद हो जाने की वजह से सारे बच्चे घर पे और मैं अपने घर पे आ गया, तो उसके वजह से ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लास बंद हो जाना, क्योंकि एज ए टीचर हम लोग का सोर्स ऑफ इनकम वही है अगर कहा जाए तो। वो बंद हो गया। और उसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारे ऑलरेडी क्लासेस चल रहे थे, तो बच्चे कहीं ना कहीं से पढ़ रहे थे थोड़ा बहुत। लेकिन अगर बच्चों का ट्यूनिंग जमा हुआ है मेरे से तो वो मेरे से पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो एवरडे भी मिलने के बाद जब बच्चे को पता चला कि ऐसा ऐसा मैं बताया उनको ऐसा, तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हुए और धीरे धीरे फिर चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। मैं लाइव सेशन प्रेफर कर रहा हूँ। यूज़र इंटरफेस के बारे में कहा जाए तो काफ़ी सिंपल है, अब तो काफ़ी सिंपल हो चुका है। बच्चों को कुछ नहीं करना होता, जिस बच्चे को ज्वाइन करना आपके क्लास, टीचर से संपर्क करना होता, कॉन्टैक्ट करना होता, उनका नंबर, उनका नाम इनरोल करना होता उस पर्टिकुलर क्लास में। उसके बाद बच्चे वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करके अकाउंट क्रिएट होता है और वो अकाउंट के बाद वो लॉगिन करते हैं। मैं लाइव सेशन इसलिए लेता हूँ कि जब लॉकडाउन नहीं था, जब ऑफलाइन क्लास चल रहा था तब भी वो लाइव ही था, क्योंकि बच्चे सामने बैठ के पढ़ रहे थे। तो बच्चों का सबसे बड़ा इशू होता है ये बच्चों के पेरेंट्स को, क्योंकि जब भी कोई बच्चा पढ़े तो हमको लगता है कि हम कोई क्वेश्चन पूछ सके अपने टीचर से, अपने सारे डाउट्स क्लियर हो सके। भले डाउट आए या ना आए लेकिन उनके मन में डाउट रहता है कि डाउट क्लियर तो होना चाहिए। अब इसीलिए लाइव सेशन लेने से क्या होता है फायदा कि बच्चे जुड़ तो जाते हैं और पढ़ भी लेते हैं और अपने क्वेश्चंस उसी टाइम पे ऐसे कमेंट भेज देते हैं, तो कमेंट पढ़ने के बाद मैं उनका आंसर उसी टाइम पे उन तक पहुँचा पाता हूँ। तो लाइव सेशन भी मैं ले रहा हूँ और रिकॉर्डेड का भी काफ़ी अच्छा है फैसिलिटी। लेकिन अभी तो रिकॉर्डेड में मैं जा नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन बाद मैं सोच रहा हूँ रिकॉर्डेड वीडियो भी करने के लिए कुछ एक आधे सेशन का। इंटरनेट अगर अच्छा है अपने एंड से, टीचर के एंड से, मेरे एंड से इंटरनेट का स्पीड अच्छा है, लगभग 1 Mbps से थोड़ा ज़्यादा स्पीड भी अगर है तो इधर से बहुत अच्छा क्लास हो जाएगा। और बच्चों के एंड में भी अगर मोबाइल में ज्यादा नहीं 200-300 Mbps का भी स्पीड है तो अच्छे से क्लास को एक्सेस कर पाते हैं। और क्वालिटी अगर इधर से अपलोडिंग अच्छे से हो गया और बच्चे के मोबाइल में अगर 200 या 100 Mbps के आसपास स्पीड है तो अच्छे से उसको डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब वहाँ पे देख लेते हैं वो लोग काफी अच्छे से। क्वालिटी में कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। अगर कैमरा फोकस होने वाला है, इसमें ऑटो फोकस है, तो ऑटो फोकस होकर बहुत अच्छे से क्वालिटी आता है। थोड़ा लाइट देखना पड़ता है, लाइट अगर जब बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं, अगर मैं अभी अपने रूम के बारे में बात करूँ तो एक ट्यूबलाइट और 3 बल्ब लगाए हुए हूँ और उसमें काफ़ी अच्छा क्वालिटी मिल जा रहा है बच्चों का, मतलब जो बोर्ड पे लिखावट है वो सब समझ में आ जाता है आराम से। सेटअप के लिए अगर लाइव सेशन चाहिए तो उसके लिए 4 चीज़ तो चाहिए एटलीस्ट। पहला तो एक तो आपको कैमरा, मोबाइल जिसमें से लाइव सेशन होना है उसको रखने के लिए एक स्टैंड चाहिए और एक माइक चाहिए और एक लैपटॉप चाहिए और एक मोबाइल इट्सेल्फ, तो 4 चीज़ तो चाहिए ये कम से कम। क्योंकि लैपटॉप में मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ तो मैं बच्चों को लाइव से लाइव कमेंट पढ़ पाता हूँ और खुद का वीडियो प्रीव्यू भी देख सकता हूँ, क्योंकि कैसा वीडियो चल रहा है मुझे भी दिखना चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होते हैं यहाँ से तो बच्चे हमें देख रहे होते हैं लेकिन हम बच्चों को नहीं देख पाते हैं, तो वीडियो सही चल रहा नहीं चल रहा वो लैपटॉप में मैं देखते रहता हूँ वीडियो प्रीव्यू में। और वहाँ लाइव चैट के ऑप्शन में बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं लैपटॉप के जरिए, लैपटॉप में देख के मैं उसका आंसर आराम से इजीली कर सकता हूँ। और एक माइक होना चाहिए, माइक हटा के मैं क्लास लेने की कोशिश किया, आवाज़ धीमे था, ऐसा नहीं था कि आवाज़ बिल्कुल ख़राब है, आवाज़ अच्छा था लेकिन आवाज़ धीमे था, धीमा हो चुका था। तो अगर माइक है तो वेल एंड गुड, अगर माइक नहीं भी है तो क्लास हो सकता है, ऐसा नहीं क्लास नहीं हो, क्लास तभी हो जाएगा लेकिन आवाज़ थोड़ा धीमा आएगा। टेक्निकल सपोर्ट ऑसम, कहीं से कोई इशू नहीं। इवन तो ऐसा लगा मुझे कि इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा सपोर्ट कैसे मिल सकता है, क्योंकि मैं जब रात को भी मैसेज कर रहा था तभी मुझे रिस्पॉन्ड मिल रहा था,
कभी कभी टेक्निकल चीजें कोई ना कोई इशू आ ही जाता है कभी ना कभी ना चाहते हुए भी, तो इशू को एज लीस्ट एज पॉसिबल रिजॉल्व कराया गया जल्द से जल्द। तो टेक्निकल सपोर्ट में अगर कहा जाए तो 10/10 उसके लिए कहीं से कोई इशू नहीं। फ्यूचर प्लान्स ऐसा है कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टेड है, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगा बच्चों से मैं जब मिल रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है जब जो बच्चे पेड है वो फी देने के लिए घर का आ रहे हैं या जो मुझे मिलने जाना पड़ रहा है, तो उसमें से जितने बच्चे लाइव कर रहे हैं जितने बच्चे जुड़े हुए हैं ऐड है मेरे पास, उनमें से बहुत सारे बच्चे का ये कहना था सर ऑनलाइन ही लाजवाब चल रहा है क्यों ऑफलाइन में आप आइएगा, क्योंकि ऑफलाइन में कहीं ना कहीं क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस होता है, आप बच्चे कुछ बातें करते हैं हम कुछ बातें करते हैं, हम समझना चाह रहे हैं तो पड़ोसी समझ नहीं दे रहा, तो काफ़ी तरह की बातें होती, लेकिन ऑनलाइन में कैसे घर पे बैठ के आप जो पढ़ाते वो सब समझ में आता। तो कुछ बच्चों को तो यही कहना था कि लॉकडाउन खुल भी जाए तो आप मुझे ऑनलाइन ही पढ़ाइए, और कुछ बच्चों के पास जिनके पास इत्तेफाक से मोबाइल नहीं है जो थोड़ा सा तकलीफ में है मोबाइल को लेके, तो उनको उनका कहना है जस्ट जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खोले और आप आए और आप इनको पढ़ाए, तो वो ठीक है, लेकिन अभी 10 में से 9 घरों में मोबाइल रहता ही है तो बच्चे कर रहे हैं। मेरे लिए तो कोई दिक्कत इसलिए नहीं था क्योंकि मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ तो मुझे टेक्निकल का थोड़ा बहुत था तो मैं कर ले रहा था, लेकिन हाँ ये है कि जो इन चीज़ का जानकारी नहीं है जिनको उनको दिक्कत आ सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो सपोर्ट सिस्टम है इसमें एवरडीनी का जो सपोर्ट उनके तरफ से मिलता है, तो जो अगर जीरो टेक्निकल नॉलेज भी रखता है जिनको ऑपरेट करना नहीं भी आता तो करवा देंगे, इतना तो है कि उतना सपोर्ट है कि क्योंकि कुछ प्रोसेस है नहीं, एक साधारण सा एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करना है और उस एप्लीकेशन के थ्रू इसी एप्लीकेशन में सारा ऑप्शन दिया हुआ है, बस आप क्लिक करते जाइए वो आपसे वो खुद ब खुद होते चला जाएगा। तो जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान एक मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है वो अगर मोबाइल इस्तेमाल कर पा रहा है तो ये क्लास भी कर सकता है, बहुत कुछ खास इसमें एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अब तो ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन ये चलते ही रहेगा क्योंकि विश्वास नहीं कीजिएगा जब मैं ये चालू कर रहा था तो सबसे पहले तो मेरे घर वालों के मेरे को भरोसा नहीं था ये चलेगा क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, तो पापा रहे या भाई रहे मम्मी रहे बोले ये नहीं चलने वाला, तो फिर यही था कि नहीं क्यों नहीं चलेगा, वो ट्राई करने में क्या हर है, और ट्राई किया तो आज सफल है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे जुड़ भी गए और काफ़ी स्मूथली चल भी रहा। तो अब ऐसा है कि घर वाले खुद कह रहे कि ऑफलाइन चालू हो भी जाए ना तो मैं क्लास यहाँ लगा कर रखा,